दोस्तों नमस्कार। हरियाणा चुनावी मोड में जा रहा है। हर तरफ आपको आज चुनावी रंग दिखाई देंगे। कोई बस यात्रा निकाल रहा है, कोई रथ यात्रा निकाल रहा है, कोई पद यात्रा की तैयारी कर रहा है, कोई किसी प्रकार से तो कोई किसी प्रकार से मतदाताओं को, वोटर्स को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। जहां हरियाणा के अंदर कांग्रेस हिसाब मांग रही है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी बस यात्रा, जिसे रथ यात्रा कहा गया है, उसमें घूम घूम करके हिसाब मांग रहे हैं, तो फिर नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि भैया हिसाब तो पहले हुड्डा साहब से ले लीजिए दीपेंद्र जी। यानी कि ये सब सियासी रंग हैं। इस सियासी रंगों में मैं आपके साथ एक विशेष रंग के साथ आपके बीच में हूं, और वो रंग है कांग्रेस का रंग। कांग्रेस का एक वो वाला रंग जिसके बारे में आप निरंतर लगातार पढ़ते सुनते देखते चले आ रहे हैं। हमने भी कई वीडियोज आपसे शेयर की और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वीडियोस चलती हैं, लोग कहते हैं, खबरें चलती हैं, और वो होती हैं कांग्रेस के गुटबाजी के रंग की। चर्चा चलती है कि कांग्रेस की गुटबाजी क्या करेगी, कांग्रेस में गुटबाजी है, इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या हाईकमान की पसंद है, क्या शैलजा की कितनी पकड़ होगी, रणदीप सिंह सुरजेवाला क्या करेंगे, क्या इन सब के बीच में बांगर चौधरी की भी कोई अहमियत बनेगी। मतलब ये तमाम लोगों के बीच सवाल आजकल चलते हैं, और इन सवालों के बीच बात ही आ जाती है कि क्या गुटों में, जिस प्रकार से कहा जाता है कि कांग्रेस की ये गुटबाजी है, तो क्या कांग्रेस की गुटबाजी क्या कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचा पाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे आगे बढ़ूं तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो गुटबाजी होती है या खेमेबंदी होती है, इसे खेमेबंदी कहा जाता है, खेमे बना करते हैं। और मैंने आपको अपने कई वीडियोज में शेयर किया है कि ये हर राजनीतिक दल में हुआ करती है। कुछ राजनीतिक दल ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर इनको हवा मिल जाती है, कुछ ऐसे हैं जिनमें इनको हवा नहीं मिलती। अगर आप देखें तो आज जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है, ये स्थिति कभी कांग्रेस की हुआ करती थी। हुआ ये करता था कि कांग्रेस के अंदर कोई भी व्यक्ति कांग्रेस आला कमान के बारे में या कांग्रेस आला कमान के फैसले पर अपना सिर नहीं उठा सकता था। आज ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी में है। एक समय वो था कि कांग्रेस का युग था, आज का युग भारतीय जनता पार्टी का है। भले ही वो युग अब की बार कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि क्या वो युग ढलान पर है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तीसरी बार मोदी सरकार बन तो गई लेकिन मेजोरिटी नहीं मिली। खैर, मैं आपसे बात हरियाणा को लेकर चर्चा में हूं, और हरियाणा को लेकर खासकर मैं आपसे कांग्रेस के बारे में बात करने चला हूं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो गुटबाजी, खेमेबंदी या जो भी शब्द जो कहे जाते हैं, अगर मैं इसको एक और भाषा में एक शब्द का नाम दूं तो मैं तो ये कहूंगा कि ये कांग्रेस की खुली खिड़कियां हैं। जैसे आप अगर रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो बहुत सारी खिड़कियां बनी होती हैं टिकट के लिए। अगर आप बड़े सिनेमा हॉल में जाएं तो सिनेमा, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन होना शुरू हो गया, लेकिन एक दौर था कि जब सिनेमा हॉल के अंदर भी जब कोई बड़ी फिल्म लगती थी तो ब्लैक मार्केटिंग ना हो इसलिए टिकट खिड़की बढ़ा दी जाती थी। तो आप मान लें कि कांग्रेस के अंदर भी ये सब टिकट खिड़कियां हैं, और ये सारी टिकट खिड़कियां, इस प्रकार की टिकट खिड़कियां, मैंने जो बताया, कभी भारतीय जनता पार्टी में भी हुआ करती थी। मैं आपको 2014 का विधानसभा चुनाव बताऊं कि 2014 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी नेता को अपना चेहरा नहीं बनाया था। उस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 8 नेताओं को 8 रूटों पर भेज दिया था। 8 हेलीकॉप्टर की व्यवस्था हो गई थी। कहीं इंद्रजीत चलते थे, कहीं कृष्णपाल गुर्जर चलते थे, कहीं रामविलास शर्मा चलते थे, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह चलते थे। तमाम नेता इनके अलग अलग हेलीकॉप्टर उड़ा करते थे, चार्टर प्लेन थे इन सब लोगों के पास। चुनाव प्रचार हुआ और भारतीय जनता पार्टी 2014 में उस हरियाणा जैसे प्रदेश में सत्ता में आ गई जहां बीजेपी के पास कभी 1, 2, 4, 6 तक सीट पहुंचती थी और कभी 10, 12, 14 सीटें आ गई तो फिर वो बैसाखियों पर सीटें आया करती थी। लेकिन 2014 में, क्योंकि मैं तो उन 8 जो चार्टर प्लेन कह रहा हूं, मैं तो 8 खुली खिड़कियां कहूंगा उनको भी, कि तमाम नेताओं को लगता था कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और मुख्यमंत्री बने उस समय मनोहर लाल। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल के चेहरे के साथ चुनाव मैदान में उतरी 75 पार के नारे के साथ, तो गाड़ी अटक गई 40 पर। और अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने जो देश के गृह मंत्री हैं, भाजपा के जो चाणक्य जिन्हें कहा जाता है, अमित शाह, उन्होंने
नाम डिक्लेयर कर दिया पहले ही कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव होगा। और ये भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा गेम है। अगर आप पिछले देखें विधानसभा चुनाव, अभी हाल ही के चाहे वो ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनी, पहले कोई नाम नहीं था। उससे पहले चाहे उत्तराखंड में सरकार बनी, कोई नाम नहीं था। उससे पहले छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, कोई नाम नहीं था। मध्य प्रदेश में सरकार बनी, कोई नाम नहीं था। राजस्थान में सरकार बनी, कोई चेहरा नहीं था, केवल कमल का फूल चेहरा था। और अब हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो फिर नायब सिंह सैनी चेहरा हो गए। ये तो बीजेपी की बात हुई, क्योंकि मैंने आपसे लगातार रखा कि मैं कांग्रेस को लेकर चर्चा में हूं। कांग्रेस को लेकर के लोग तमाम बात करते हैं। इस प्रकार की बातें चलती हैं कि एक गुट तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हुआ, फिर कहेंगे दूसरा गुट कुमारी शैलजा का, जिसके अंदर SRK थे, अब फिलहाल तो SS को ही मैं मान लेता हूं, क्योंकि सभी लोग अपनी पैरेबंदी में हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान आज मैंने बहुत दिन बाद सोशल मीडिया पर पढ़ा, कई दिन से उनके बयान भी पढ़ने सुनने को नहीं मिल रहे थे। एक नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं। फिर अगर आप आगे चलें तो फिर चौथे नेता के रूप में गिने तो जो बांगर चौधरी आए भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में, चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह, एक धड़ाबंदी उनकी हो सकती है। फिर आप जलें तो फिर छोटे छत्रप हो गए, कैप्टन अजय सिंह यादव हो गए, तमाम नेता और भी हैं। अब बात ये आ जाती है कि आखिर अगर ये कांग्रेस की, जो मैंने कहा खिड़कियां खुल रही हैं, अगर इसको खेमेबंदी या गुटबाजी का नाम दिया जाता है, तो फिर लोगों के जहन में एक सवाल आता है कि जिस प्रकार से आजकल कुमारी शैलजा के बयान आ रहे हैं, तो ऐसा लोगों के सवाल आ सकता है जहन में कि इस खेमेबंदी को बढ़ावा आखिर दे कौन रहा है। अगर कुमारी शैलजा के इस प्रकार के बयान आते हैं तो उन बयानों को, उन बातों को हवा रंग कौन देता है। और इस सवाल पर जाकर के फिर नजर टिक जाती है कि क्या कांग्रेस काला कमान की मर्जी से सब कुछ होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के अंदर छत्रपों की राजनीति चलना कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से चलता रहा है। और कांग्रेस के अंदर जब एक एक विधानसभा सीट पर 5-5, 6-6, 8-8 कैंडिडेट हो जाते हैं, इसी प्रकार से जब वो मुख्यमंत्री के चेहरे की बात आती है तो कई कई नेता आपको सामने दिखाई पड़ जाते हैं। लेकिन आप माने तो अभी तक भी कांग्रेस ने हरियाणा के लिए उसका चेहरा कौन होगा तय नहीं किया, कोई डिक्लेयर नहीं किया, किसी चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे अभी तक तय नहीं है। अब मैं आपसे कह रहा था कि ये खुली खिड़की वाली बात, अगर कांग्रेस के अंदर माने तो इस समय जो प्रभावी दिखाई देते हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, उनके साथ में उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा, उनके साथ में उनके प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान और तमाम नेता हैं। दूसरी तरफ कुमारी शैलजा है जो इन नेताओं की, यानी कि हुड्डा साहब की, उदयभान जी की और फिर साथ साथ दीपक बावरिया की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े करती हैं। अगर रणदीप सिंह सुरजेवाला है, भले ही वो शांत तो हैं लेकिन उनके अंदर उथल पुथल तो चलती रहती है हमेशा ही। अगर अगली बात करें तो कैप्टन अजय यादव भी आजकल बता रहे हैं कि अगर कोई मुझसे पूछे तो गुर बता दूंगा कि कैसे सरकार बनाई जाएगी। अब बात ये आ जाती है कि अगर इतने सारे ये नेता हैं तो क्या ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये क्या नुकसान देंगे कांग्रेस को। दोस्तों जवाब तो इसका आप बेहतर जानते होंगे, लेकिन मैं तो ये जरूर कहूंगा कि इनसे कोई कांग्रेस को नुकसान होने वाला नहीं है। और अगर मैं ये कह दूं कि इससे तो उल्टा तमाम जो ये छत्रप होंगे अपने अपने एरिया के अंदर जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उससे कांग्रेस को फायदा ही होगा। आप देखें तो 2024 का भी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ, इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटें कमा ली, 5 सीटें जीत ली और भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें हार ली। और 5 सीट जीतने के बाद कांग्रेस का हौसला दमादम है, ये मैंने आपसे कई बार कई वीडियोज में शेयर किया है। अब अगर बात आ जाती है कि जब टिकट वितरण की बात चलेगी तो सबसे पहले फिर ये सवाल आएगा कि क्या कोई नेता अगर जब चुनाव हो जाएगा, चुनाव में टिकट वितरण होगा चुनाव के लिए, वो फिर विधायक जीत करके आएंगे, फिर विधायक दल की बैठक होगी, तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस के अंदर जो ये खेमेबंदी है अगर ऐसी रही तो फिर क्या इससे पार्टी की गुटबाजी बड़ी हो जाएगी और कहीं गड़बड़ हो सकती है क्या। आपको एक बात और जोड़ना जरूरी है, आपको ध्यान होगा कि जो विधानसभा का चुनाव हुआ था 2005 में, उस विधानसभा चुनाव के अंदर हरियाणा प्रदेश के जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे और हरियाणा के जो विधायक दल के नेता थे, CLP के लीडर थे, वो चौधरी भजनलाल थे। चर्चा चलती थी कि चौधरी भजनलाल के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, चौधरी भजनलाल को चेहरा बनाया जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने किसी को चेहरा डिक्लेयर नहीं किया।
कांग्रेस को मेजोरिटी मिली और उस समय जो श्रीमती सोनिया गांधी ने अपने एकाधिकार का प्रयोग करते हुए अपनी वीटो पावर चलाते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बना दिया मुख्यमंत्री, देखते रह गए चौधरी भजनलाल। और जबकि अगर देखें तो चुनाव से पहले बड़ा चेहरा चौधरी भजनलाल थे। अब बात आ जाती है 2024 की, और इस 2024 के चुनाव में, 2024 का जो चुनाव आ रहा है विधानसभा का, इसके अंदर आप माने तो आज भी सबसे अधिक प्रभावशाली अगर है, क्योंकि कांग्रेस CLP के नेता है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं चौधरी उदय भान, और आप माने तो दोनों इस समय घी शक्कर हैं, इकट्ठे मिले रहते हैं, इकट्ठे कदम ताल करते हैं। हुड्डा मायने तो उदय भान मायने तो हुड्डा, मतलब उनका एक रंग है दोनों का। इस जब टिकट वितरण की बात आ जाती है तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरे हरियाणा में एक ऐसे नेता हैं कि जिनके पास हर एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर कैंडिडेट हैं, और एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार, दो दो, कई कई कैंडिडेट हैं। और जब बात आती है कुमारी शैलजा की, रणदीप सिंह सुरजेवाला की, तो आप मान करके चलें कि रणदीप सिंह सुरजेवाला भले ही पूरे हरियाणा में घूमे तो हों, और घूमने की बात तो चलती हो, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला का जो प्रभुत्व वाला, उनका जो वजूद वाला एरिया है, उसको आप मान सकते हैं कि कैथल जिला। नरवाना उनकी पुरानी विधानसभा सीट थी, तो नरवाना को मान लें साथ में, या थोड़ा बहुत और समझें तो फिर जींद हिसार के साथ जुड़ते हुए इलाके, जिनके अंदर की रणदीप सिंह सुरजेवाला की कंसेंट ली जाएगी। अब अगर कुमारी शैलजा की बात करें तो कुमारी शैलजा का असर हिसार सिरसा बेल्ट में पूरा है, इसको मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। यानी कि जिला हिसार, जिला सिरसा, जिला फतेहाबाद, इन जिलों के अंदर कुमारी शैलजा का पूरा असर है। कुमारी शैलजा सांसद भी बनी सिरसा से, लेकिन जब बात इसमें हिसार की जुड़ेगी तो फिर हिसार से सांसद तो जयप्रकाश बने, और जयप्रकाश चौधरी भजनलाल के खेमे में है। लेकिन इसके बावजूद भी कुमारी शैलजा का वहां पर जो असर रसूख है, उसको आप कहीं कमतर नहीं आंक सकते। अब अगर बात आगे चलते हैं कैप्टन अजय यादव की हम बात कर ले, तो कैप्टन अजय यादव भले ही कद तो उनका ऊंचा हो, लेकिन कैप्टन अजय यादव मुझे लगता नहीं कि रेवाड़ी से बाहर उनका कोई ज्यादा असर रसूख हो, प्रभाव हो। लेकिन दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ऐसे नेता हैं, क्योंकि वो दो बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके, जब से मुख्यमंत्री पद से हटे तब से भी कांग्रेस की कमान, चाहे अध्यक्ष कोई भी रहा हो, कांग्रेस पर अघोषित और घोषित कमान कांग्रेस की भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथों में ही रही। अब मैं आपको बताऊं कि जब टिकट वितरण हो जाएगा, फिर विधायक जीत करके आएंगे, तो बात ये आ जाएगी कि कौन सी खिड़की पर ज्यादा भीड़ होगी। पहली तो भीड़ टिकट लेने की, और फिर उसके बाद में टिकट यानी कि जो जीत जाएंगे वो जमा करने की, कौन किसके साथ होता है। पार्टी आलाकमान भी देखेगा। आज स्थिति वो नहीं है जो 2005 के चुनाव में थी। उस समय देश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, सरदार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यानी कि जिस नेता के ज्यादा विधायक चुन कर आएंगे, आप ऑटोमेटिक मान लेना कि उसको दरकिनार करना या उसको किनारे करना आसान नहीं रहेगा। जिस प्रकार से सोनिया गांधी जी ने पहले किया था 2005 में, वो आज होना संभव नहीं है। अब अगर बात आ जाती है कि अगर कुछ ऐसा नहीं होता तो फिर क्या सभी नेता साथ चलेंगे, तो इसका भी जवाब आपको बता देते हैं। वर्तमान स्थिति में अगर देखें तो कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो आला कमान को आंख दिखाने की कुवत रखता हो। आप ध्यान करें, जो आज से लगभग एक महीना पहले कांग्रेस की बैठक हुई थी लोकसभा चुनाव के बाद में, और उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे राहुल गांधी। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, KC वेणुगोपाल भी थे, दीपक बावरिया भी थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे, शैलजा, तमाम नेता हरियाणा के भी थे। लेकिन उस बैठक का एक अंदाज अलग था। एक वो दौर था जब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस आलाकमान की जब बैठक हुआ करती थी, तो कांग्रेस के जो छत्रप थे वो राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्षा और कई बार सोनिया गांधी की बातों को इग्नोर कर जाया करते थे। लेकिन वक्त बदला, समय बदला, कांग्रेस की ताकत बदली, तो वो स्थिति नहीं रही। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अब जो 2024 के विधानसभा चुनाव के पहले की बता दूं आपको, तो कोई नेता मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता जो कांग्रेस आला कमान से बगावत की कुवत रखता हो, जो आंखों में आंखें डाल करके ये कह सकता हो कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैसा हो जाएगा, चाहे उसके अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी खुद ही हों। उसके बाद अगर शैलजा की जाए, तो शैलजा भले ही कुछ भी कहें, लेकिन वो गांधी परिवार से अलग नहीं हो सकती।
वो कांग्रेस के बारे में कुछ और सोचने की उनका आप सोच भी नहीं सकते। अगर रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात करें तो रणदीप सिंह सुरजेवाला भले ही आजकल कम सक्रिय दिखाई देते हों, नेपथ्य में दिखाई देते हों, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी आप कहीं ये नहीं सोच सकते कि वो कांग्रेस आलाकमान से अलग हो जाए। कैप्टन अजय की बात कर रहे हैं तो कैप्टन अजय के बारे में कितनी बातें आ जाएं, अगर वो होता तो फिर लोकसभा चुनाव में हो जाता, इसलिए आप मान के चलें कि कैप्टन अजय यादव भी कहीं कांग्रेस आलाकमान से अलग नहीं हो सकते। अब अगर राज बब्बर की बात भी चलती थी, जयप्रकाश की बात भी आती है, तो वो कहीं अलग नहीं हो सकते। अगर बात बांगर चौधरी की आती है, चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखां की, भारतीय जनता पार्टी वो छोड़ करके आए, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर वो कांग्रेस में आए, और वो ऐसा मौका था जबकि कांग्रेस के अंदर लोग कम आ रहे थे, बीजेपी छोड़ने के लोगों में बिसात कम थी, लेकिन अपने सांसद बेटे और अपनी पूर्व विधायक धर्मपत्नी के साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में आए, और कांग्रेस में आए ही नहीं, उनको आने के बाद कोई पारितोषिक भी नहीं मिला। बड़ी उम्मीद थी कि उनको लोकसभा का टिकट मिलेगा, नहीं मिला। अब उचाना से कैंडिडेट उनके बेटे हैं। अगर आप चौधरी वीरेंद्र सिंह की तरफ देखें, जब हमने कई खिड़कियों की बात आपसे की, तो एक खिड़की वो भी है कि जहां वीरेंद्र सिंह समर्थकों की कतार भी लगती है। अब अगर वीरेंद्र सिंह की बात करते हैं तो उनके पास भी पूरे हरियाणा के अंदर भी आप मान सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ खासकर जींद जिला, खासकर हिसार जिला, साथ लगता थोड़ा सा सिरसा, सोनीपत, इन जिलों के अंदर भी चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखां के पास अपना अस्तित्व है, अपनी ताकत है, इन सबको देखते हुए। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर टिकट वितरण में चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखां को बहुत बड़ा वजन नहीं भी मिलता अगर, तो उस स्थिति में भी चौधरी वीरेंद्र सिंह या ब्रजेंद्र सिंह भी कोई ऐसे उस पावर में नहीं है कि वो कांग्रेस आलाकमान को आंख दिखाएं या कहीं बात आ जाए कि वो कांग्रेस से अलग हो जाएंगे। इसलिए जितनी भी कांग्रेस की खिड़कियां, जिनको हम खेमेबंदी, गुटबाजों, गुटों के नेता मानते हैं, छत्रप मानते हैं, वो सभी इस चुनाव में कांग्रेस के साथ ही कंप्लीट कदम ताल करेंगे, चाहे वैचारिक मतभेद की बातें कितनी ही आती रहें। और मैं आपको फिर जब वीडियो के अंत में ये जरूर बता दूं कि जितनी भी खुली खिड़कियां हो रही है, यानी कि जितने भी खेमे धड़े बन रहे हैं, ये कांग्रेस को फायदा पहुंचाने का ही काम करेंगे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि 2024 का विधानसभा चुनाव क्या कांग्रेस की फेवर में हो सकता है? आपको क्या लगता है कि इस चुनाव के अंदर, यानी कि 2024 के विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कितने प्रभावशाली रहेंगे? आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की गुटबाजी कहीं कांग्रेस को कोई डेंट तो नहीं देगी? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।